फिलहाल जो है हम इस मशीन से कलर स्टिक बना रहे हैं और इसी मशीन से हम धूप स्टिक भी बना सकते हैं। वो किस तरीके से बना सकते हैं वो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये जो हमारा थोड़ा सा स्टिक फंसी हुई है अभी, तो फिलहाल अभी इसमें हम कलर स्टिक जो है बना रहे थे। अब धूप स्टिक बनाने का प्रोसेस क्या होगा वो देखिए। ज़्यादा कुछ आपको चेंज नहीं करनी है। फिलहाल तो ये अगरबत्ती मशीन है और इसे हम बनाएंगे धूप मेकिंग मशीन। तो सबसे पहले ये हमारा जो डीसी मोटर होता है, डीसी मोटर का जो पीछे का कनेक्शन होता है वो एक फेस आपको निकाल देना है, जैसा कि ये दिख रहा होगा। ये सिंगल वायर आपको निकाल लेनी है। तो हमारा डीसी मोटर का जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे ये स्विच जो है, ये स्विच को आपको नीचे की तरफ ले आना है। नीचे की तरफ ले आओगे तो जो हमारा जो सिस्टम होता है, जो सेंसर का सेटिंग होता है, वो हमारी कंटिन्यू में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारी मशीन जो कंटिन्यू हो गई है, मतलब आप जितने टाइम तक सेंसर दबाते रहोगे वो मशीन जो है आपकी चलती रहेगी। तो ये कंटिन्यू हमारा हो गया। अब उसके बाद आपको डाई खोलनी है। इसमें देखिए आप, हमारा पूरा कंटिन्यू चल रहा है। ये डाई हम साइड लगा लेते हैं। और उसके बाद आपकी जो और ध्यान देनी है वो है हमारा डाई। ये जो है धूप के लिए डाई आती है जो कि 8 mm इसमें साइज लिखी हुई है। इसी डाई का हम यूज़ करेंगे और ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। कम खर्चे में आप एक मशीन से दो काम इजीली कर सकते हैं। हालांकि धूप में उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगी, लेकिन आपके सप्लाई के लिए ये काम हो जाएगी। तो फिर ये प्रीमिक्स भी हमारा अगरबत्ती वाला ही प्रीमिक्स है। मैं आपको एक डेमो इस मशीन से दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। ये T1 पाउडर से बनी हुई अगरबत्ती है। ये भी हमारा पूरी तरीके से क्लीन हो गया, इसका कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब देखिए आप स्टिक इसमें कैसे निकलती है। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो हमारा ये स्विच है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि ये मशीन जो है ऑटोमेट हो जाएगी। तो सबसे पहले सेंसर जो है टच करते हैं और देखते हैं किस तरीके से जो है धूप स्टिक निकलती है। तो देखिए ये है हमारी धूप स्टिक। अब इसे मैं नीचे में लेके थोड़ा रोल कर देता हूँ ताकि ये सीधी हो जाए। और थोड़ा निकाल के देखते हैं कितनी लंबी साइज निकल रही है। इसको आपको एक छोटा सा और काम करना है, वो मैं बताऊंगा। पहले फिलहाल इसको एक साइज में जमा के रख लेते हैं। 2-3 स्टिक हम जो है निकाल लेते हैं। इतनी लंबी जो है स्टिक आ रही है, धूप स्टिक देखिए आप। अब इसको खाली हमें कटिंग करने का काम है। कुछ कुछ जो टूटी हुई है उसको हम वापस रिप्लेस कर देते हैं, डाल देते हैं वापस बॉकेट में। ये देखो कितनी लंबी स्टिक जो है निकली हुई है। अब फिलहाल बहुत सारी स्टिक जो है निकल गई है, हम इसे एक साइज में काट लेते हैं। इस तरीके से आप काट लीजिए, जो वेस्टेज है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा और जो अच्छी साइजेज में है वो आपको साथ में मिल जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये है धूप स्टिक। तो इसी तरीके से आपकी बन जाएगी धूप स्टिक।
इसको हम एक बर्तन में ले लेते हैं। तो इस तरीके से बन जाएगी आपकी धूप स्टिक, है ना, एक कमाल की मशीन। उम्मीद करता हूँ कि ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, ये तो खाली अभी एक ट्रायल था जिसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको बताया हूँ। इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं बताऊँगा, इसमें कुछ कुछ सेटिंग्स हमें और करनी है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो ये वीडियो देख के आपको अच्छा ही लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कंप्लीट प्रोसेस कुछ दिनों में आपको मैं देने वाला हूँ।